देखिए भारत एट नाइन काविंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, यू आर एट भारत एट नाइन। दर्शकों, ऊपर दिख रहे टॉप बैंड आपको बता रहे होंगे कि आज मुद्दा क्या है। मुद्दा वही है जो बीते एक हफ्ते से हर घर की टीवियों पर नजर आ रहा है और हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर इस पर बवाल क्यों नहीं है। हर कोई सवाल कर रहा है कि इस पर आखिर यूएपीए के तहत कार्रवाई क्यों नहीं है। हर कोई सवाल कर रहा है कि मुस्लिम विरोधी ये संसद जो आयोजित की गई थी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं है। हालांकि 1, 2, 3, 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं और इसके बाद आज मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है कालीचरण की। कालीचरण ने हमारे देश के एक महान विचारक गांधी पर, महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं जानबूझकर विचारक का शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप उनको बापू बोल सकते हैं, संत बोल सकते हैं, यह आपकी स्वैच्छिक इच्छा है, लेकिन मैं यहां पर भारत के एक महान विचारक को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी पर चर्चा करने गया। आज कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है मध्य प्रदेश से, लेकिन इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम दास मिश्रा नाराज नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको बताया नहीं, हमसे छिपाया और खजुराहो के एक होटल से कालीचरण को रायपुर पुलिस छत्तीसगढ़ वाली गिरफ्तार कर गई। सबसे पहले तो सवाल यही बनता है कि आखिर मध्य प्रदेश की पुलिस ने ही गिरफ्तारी क्यों नहीं की, और उसके बाद सवाल यह बनता है कि जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो बजाय शाबाशी देने के वो नाराज क्यों है। इसके बाद एक और सवाल है जो पूरा देश पूछ रहा है कि हरिद्वार पे जो धर्म संसद आयोजित की गई थी वो क्या कोट एंड कोट अधर्म की संसद नहीं थी। इसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन एक और चीज होनी चाहिए कि चर्चा करने वाले लोग भी गलत जगह अपनी एनर्जी को खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चर्चा सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए की जा रही है। हिंदुओं को टारगेट करो, लेकिन जो कुछ भी ओएसी कहते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही, जो कुछ भी पीरजादा कहते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। दर्शकों, पीरजादा ने पश्चिम बंगाल में कहा कि उनकी तो गर्दन काट देंगे। अब उनकी किनकी, ये उनसे पूछिए। बस फर्क कितना है कि यहां पर इशारे हैं तो वहां पर सीधे मजहबी नारे हैं, लेकिन फर्क दोनों तरफ नहीं है। दोनों तरफ जहर की बारिश है और इस बारिश पर लगाम क्यों नहीं, और आखिर देश में ये कब तक चलता रहेगा, इसी को लेकर चर्चा है। तस्वीरें खुद बोल रही है, तस्वीरों को आज किसी भी जुबान की जरूरत नहीं है। तस्वीरें आपकी चारों तरफ चल रही होंगी, तस्वीरें दिखा रही हैं कि संसद में हिंसा की बात की गई, जिस संसद के आगे धर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी तस्वीर दिखा रही है कि महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण को आज गिरफ्तार किया गया, और उसको लेकर भी ट्विटर पर ट्रेंड चल रहे हैं, आई सपोर्ट कालीचरण। तीसरी तस्वीर जो दिखा रही है कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल मुस्लिमों के खिलाफ किया गया, तो इसको लेकर चर्चा है। लेकिन समय बीतता जा रहा है तो लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां तो एक भी नहीं हुई, ढंग से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, और आश्चर्य की बात यह है कि एक चैनल के द्वारा जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा गया कि आखिर हरिद्वार में जो संसद का आयोजन हुआ था, जो हेट स्पीच दी गई थी, उस मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्या मुकदमे लिखे गए, इसको लेकर उन्होंने आश्चर्यजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता, हमको इस बात का इल्म नहीं है, यह घटना हमारे संज्ञान में नहीं है। पुष्कर सिंह धामी साहब, यह घटना विदेशियों अखबारों में है, विदेश की टीवी चैनलों पर है, देश के हर भाषा में प्रकाशित होने वाले अखबारों में है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि आपके जहन में नहीं है, आपको इसका इल्म नहीं है, आपके प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जहां पर एक मास मर्डर की बात की जा रही है,
आपके इल्म में नहीं, या शर पैदा करता है। लेकिन उससे पहले कालीचरण ने महात्मा गांधी को लेकर क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवाते हैं। मां अन्नपूर्णा, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो सुनवाते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि अब गिरी हो चुके हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 1 2 3। और महान मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश को, नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला वाली। देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है, वो 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई, हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। उसी तरीके से आज जो भी राक्षस मेरे सनातन धर्म पर, मेरे हिंदुत्व पर अगर खतरा बन के मंडराएगा या आएगा तो मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। भले ही मुझे गोडसे की तरह कलंकित क्यों ना कर दो, मगर मैं शस्त्र उठाऊंगी और अपने सनातन धर्म और हिंदुत्व को बचाऊंगी। तो तीन खिड़कियां, तीन बयान। पहला बयान आपको बताता हूं कि क्या था। पहला बयान यह था कि महात्मा गांधी के लिए कहा गया कि वो फोड़े फुंसी जैसे शख्स थे। दिस इज रिडिकुलस। इसके बाद यति नरसिंहानंद गिरी महाराज, इन्होंने कहा कि अब जो आर्थिक ताकत है वो उनकी तरफ चली गई है। ही इज रेफरिंग टू मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि आर्थिक ताकत वहां चली गई है क्योंकि बच्चे उन्होंने ज्यादा पैदा कर लिए और अब आर्थिक बॉयकॉट से कुछ नहीं होगा, हथियार उठाने पड़ेंगे। इसके बाद मां अन्नपूर्णा, उन्होंने कहा कि हमको एक होना होगा, ये देश है या फिर हम किसी जंग के मैदान में। जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम भाईचारे की बात करते हैं, जब हम धर्म निरपेक्ष होने का दंभ भरते हैं, तब आखिर ये तस्वीरें क्या हैं? ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? ये बयान क्या कुछ कह रहे हैं? ये सोचना समझना बहुत आवश्यक है। हालांकि ये तीन बयान आपको सुनाए, दूसरी तरफ के बयान भी आपको सुनाता। दूसरी तरफ पीर ज्यादा, उन्होंने कहा कि उनके गले काट देंगे। ही इज रेफरिंग टू हिंदूज, उनके गले काट दे। ओवैसी ने कहा कि योगी जी और मोदी जी जब चले जाएंगे तब आपको कौन बचाएगा। ही इज रेफरिंग टू यूपी पुलिस, और भड़काने का काम कर रहे थे यूपी के मुस्लिम्स। तो ये तस्वीरें हैं मॉडर्न इंडिया की। जब हम मॉडर्न इंडिया में हैं, जब हम बात करते हैं कि 2050 तक हम फ्लाइंग कार्स देखेंगे, और देख क्या रहे हैं, देखिए रहे हैं कि हाथों में किताब पकड़ाने की बजाय सो कॉल्ड धर्मगुरु हमको बता रहे हैं कि बंदूक पकड़िए, ऑटोमेटिक बंदूक पकड़िए। आपके घर में कुछ ना हो लेकिन एक हथियार जरूर होना चाहिए। अब आपको जागरूक होने का समय आ गया है, लेकिन जैसे ही सवाल करो कि जागरूक क्या, जागरूक इन टर्म्स ऑफ साइंस, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो नहीं, जागरूक इन टर्म्स ऑफ हेट। जागरूक करना है कि आप यह समझिए कि ये आपके दुश्मन हैं, आपको हथियार रखने हैं और आपको हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना है। तो यह धर्म की जो संसद थी, दरअसल कोट एंड कोट या धर्म की संसद थी। इसके बाद आज कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस कह रही है दे हैव डन इट, क्योंकि गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से हुई है।
लेकिन कोई भी यह नहीं बताना चाहता, मैं आपको बताता हूं कि एक धर्म संसद जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी एनजीओ नीलकंठ सेवा समिति और दुधारी मठ के द्वारा, इसको अटेंड किया था कांग्रेस लीडर प्रमोद दुबे ने। यह भी धर्म संसद, यहां भी हेट स्पीच थी। इसको कांग्रेस के नेता प्रमोद दुबे ने अटेंड किया, बीजेपी लीडर ब्रिजमोहन अग्रवाल, विष्णुदेव साई, स्वामी प्रबोधानंद गिरी, ये सब वहां पर मौजूद थे। ये बीजेपी के लीडर प्रमोद दुबे भी वहां मौजूद थे धर्म संसद हरिद्वार में। तो इसको लेकर चर्चा आम हो गई है, लेकिन इस आम चर्चा पर खर्चा गलत जगह हो रहा है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, राजीव ब्रह्मऋषि हैं हमारे साथ हिंदू संगठन से, और साथ ही साथ पंडित संजय मिश्रा जी हैं, आप भी धर्मगुरु, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो राजीव जी, आज कालीचरण जी को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, इनकी गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है, कह रही है कि महात्मा गांधी के खिलाफ बोला इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है। अब हमारे देश में जितना हमने आज तक पढ़ा है, जितना बताया गया है, महात्मा गांधी को अभद्र भाषा से शोभित करने की तो जरूरत नहीं है। आपकी जो लड़ाई है जिनके खिलाफ है उनके खिलाफ आप लड़ते रहिए, लेकिन महात्मा गांधी जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, तो उन लोगों को जिनको महापुरुष इस देश में माना जाता है उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है? महात्मा गांधी जी के संदर्भ में कुछ संत ने जो कहा है उसकी चर्चा आप सब लोग कर रहे हैं, उनको बुरा बताया जा रहा है। शायद कोई मीडिया ऐसा होगा जो संत के उन विचारों के पीछे जो उनका दृष्टिकोण है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेता तो शायद उस संत के साथ और उस सूझबूझ के साथ जो जिन्होंने उस संत के विचार को उस मंच तक प्रकट करने का शक्ति दिया है उसको भी समझने का अवसर मिल जाता। हम नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात आपने कहा है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर और जो भारत का महामानव महात्मा गांधी के संदर्भ में आपने कहा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आइकॉन है इस हिंदुस्तान के अंदर, जिनको इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग अपना आइकॉन नहीं मानता है। इसका यह कहीं से मतलब नहीं है किसी के द्वारा किसी को आइकॉन बनाकर के थोपा जाए। उन्होंने संत ने स्पष्ट कहा है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर थे या नहीं थे, इस पर उन्होंने कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा है कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं थे। उन्होंने कहा है कि देश का कोई पुत्र हो सकता है, देश का पिता कैसे हो सकता है, इसका तो सवाल बनता है। उन्होंने बहुत से ऐसे बातें कही हैं जिससे आज पूरा हिंदुस्तान दुबी एकदम बिल्कुल दबी जवान में हो या स्पष्ट प्रखर रूप से सामने आकर के लेकिन बिल्कुल स्वीकार कर रहा है, समर्थन दे रहा है। अब गांधीगिरी की तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसी परिपाटी चली है जो गांधी को पढ़े नहीं, गांधी को मानते नहीं, गांधी को जानते नहीं, वो भी पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए गांधी की विचारधारा को लेकर के आगे आते हैं, लेकिन गांधी जिन्होंने कभी जालीदार टोपी पहनी नहीं अपने पूरे जीवन में, जिन्होंने राम नाम के साथ पूरे जीवन को जिया है दूसरी ओर आज राम के नाम लेने वालों को आज तो देश के अंदर में कटघरे में खड़ा कराया जाता है, भगवा आतंकवादी कहा जाता है, जैसी नाम को आतंकवादी नारा बताया जाता है। इसलिए गांधी को जो लोग आज समर्थन देते हुए यह कह रहे हैं कि हमारे मसीहा हैं, गांधी के विचारों के साथ वो पहले खड़े हो जाएं, और गांधी जिन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर बहुसंख्यक हिंदू समाज के विरुद्ध ज्ञानवश या अज्ञानवश जिन्होंने उनके द्वारा जो गलतियां हुई हैं, आज एक संत बड़ी प्रखरता के साथ समाज के बीच आकर उस विषय को रखा है, और हमको लगता है कि संत सही में हमारे पूज्य है और अकेले नहीं है, उनकी विचारधारा के साथ हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा है और हम उनकी समर्थन करते हैं। ठीक है, आप समर्थन करते हैं खुलकर तो इस देश में, ठीक है, महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने जो कहा आप समर्थन करते हैं, हरिद्वार में जो महात्मा गांधी के संदर्भ में उन्होंने जो कहा हम उसका समर्थन करते हैं, उन्होंने किसके विरुद्ध कहा है ये आपका विषय है, आप इसको रखिए, लेकिन उन्होंने मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, मैंने इसके पहले भी जो डिबेट हुआ उसमें भी हमने कहा है महात्मा गांधी को इस देश का पिता बनाने का संवैधानिक अधिकार कहां है हमको दिखाया जाए। ठीक है,
ठीक है वो मैं भी नहीं, वो अपना स्वैच्छिक है कि कोई बापू कहना चाहता है, पिता कहना चाहता है, ठीक है, महान विचारक कहकर मैंने उनको संबोधित किया। अब दूसरी चीज ये है राजीव जी, जर्मनी आपने पढ़ा होगा, जर्मनी के बारे में, हिटलर के बारे में पढ़ा होगा, ज्यूस के बारे में पढ़ा होगा, नाजी के बारे में पढ़ा होगा, गैस चैंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो क्या आप भारत में नाजी वाली परंपरा को लाना चाहते हैं? क्या भारत में जब सफाया की बात करते हैं कि सफाया करते हैं, तो कौन सा सफाया करना चाहते हैं? ये जो धर्म संसद हरिद्वार में रखी गई, ये धर्म संसद में सफाया, मार देना, इनको खत्म करना, हथियार रखना, ये सब आपको नहीं लगता? हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान को इसको सुनने की आदत अब डाल लेनी है। हम नहीं कह रहे हैं कि जो निर्दोष है, निहत्ता है, जो धर्म के साथ है, जो राष्ट्र के लिए जी रहा है, उसके विरुद्ध आंदोलन हो या उसको सजा दिया जाए, लेकिन जो देश के विरुद्ध है, देश के भविष्य के प्रति जो खतरा है, और जिस विषय को लेकर के आज संत ने अपने विचार प्रकट किए हैं, आप लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। आखिर किस दृष्टिकोण के तहत हिंदुओं को बार बार गांधी जी से आज इस तरीके से जो दंश झेलना पड़ रहा है उनके निर्णयों से, आज एक संत खुल करके बोल रहा है, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? गांधी जी ने देश के आजादी बंटवारे के बाद जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को पैसे देने नहीं, नहीं, के मैं आप देखिए, ठीक है, गांधी जी पर हो गया, गांधी जी पर, ठीक है, गांधी जी पर मैं आपका व्यू समझ गया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप भारत को, ये जो नया भारत है, इसको आप नाजी भारत बनाने की कोशिश में है? हिंदुस्तान तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा देता है, हमारे साथ क्या हो रहा है? इस देश के अंदर अगर एनआरसी सीए की बात होती है तो एक बहुत बड़ा वर्ग खड़ा होकर के कहने लगता है कि हमको हमारे लोग और हमारे जाति पंथ धर्म के लोग को भी आने की अनुमति होनी चाहिए। तो एनआरसी सीए से आपको क्या मतलब? आप तो संविधान को मानते नहीं, आप तो कानून को मानते नहीं, आप तो कह रहे हैं संविधान को हम, आप कह रहे हैं को बिल्कुल हम ही मानते हैं। अरे आप राजीव के, राजीव जी अभी आपने कहा कि भारत को अभी ये बातें सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए, आपने कहा ना, क्योंकि आप कानून को नहीं मानते, वरना आप कहते कि कानून के द्वारा हम जो भी गलत करेगा उस तरफ से, जो भी तरफ आप बता रहे हैं, तो आप कानून का सहारा लेंगे, लेकिन नहीं, आप कह रहे हैं कि अब हमारी बात सुनने के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ किसानों का, सरकार को झुकना पड़ा और एक पैर पीछे निकल करके और इस तरीके से उनकी बातों के साथ खड़ा होना पड़ा है। इस देश का बहुसंख्यक समाज अब यह समझ चुका है कि हमारे संसाधनों का जो ये लूट की परंपरा चली है, इससे आने वाले कल में हमारा हिंदुस्तान कहाँ खड़ा होगा। हमें अपने लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमारे साथ जो अतीत में जो हमारे साथ जो घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके कारण आज दंश हम झेल रहे हैं, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, अब कैसे जागरूक, ठीक है, आगे आया है, ओके ब्रह्मर्षि, आप कैसे जागरूक करने की बात करें? आप बार बार जागरूक की बात करें, किसमें, साइंस के क्षेत्र में जागरूक करना है, कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जागरूक करना है, मेडिसिन के क्षेत्र में जागरूक करना है, किस क्षेत्र में, या नफरत के क्षेत्र में जागरूक करना ही जागरूक करना है? हिंदुस्तान अपने कल के लिए अपने आज को सुधारने की वकालत कर रहा है। इस देश के अंदर पूरी दुनिया जिसको आज सलाम करती है, कल से लेकर आज तक, ऐसा नहीं है कि हम अगले चौक पर जाएंगे और कोई बोलेगा कि आगे देखना एक आतंकवादी है, तो एक मन में जो एक चित्र उभरता है हिंदुओं के प्रति, वो चित्र नहीं उभरता है, लेकिन बिना बताए हुए, बिना नाम बताए हुए, बिना शक्ल बताए हुए, अगर बताया जाए कि अगले चौक पर कोई आतंकवादी है, तो आपके जिहन में एक चित्र सामने आता है। ये हिंदुओं के प्रति और संतों के प्रति नहीं है। हमारे संत आज भाला और माला लेकर के आगे बढ़े हैं, जिसकी आवश्यकता है। उनको आतंकवादी क्यों कहा जाता है? आतंकवाद केवल भारत पे नहीं है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। आतंकवादी कौन है? जो लोगों को मारते हैं, वही है ना। तो आप लोग उस ऐसे तलवार, जी, उस तलवार को जो भगवती के हाथ में है, दानव की वध के लिए जिन्होंने हाथों में उठाया है, भगवती पूजी जाती है, वही दानव उसके हाथ में भी तलवार है। ठीक है, ठीक है, बातें बहुत हो गई, बातें बहुत हो गई, होता है, ठीक है, बातें बहुत हो गई कि तलवार रखना है, बंदूक रखनी है, अगर कुछ कहा तलवार रखना है, बंदूक रखनी है, सफाया करना है, कब से है प्रोग्राम? बौद्धिक सफाया शुरू हो चुका है, अवेयरनेस का काम चल रहा है, लोग अब जग चुके हैं, अब लोग समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान को खतरा किससे है, अपने लोगों को जगाने की बात है, लोग जग रहे हैं। आप देखिए, आप देखिए, आप राजीव जी क्या है ना, आप सिर्फ बातें करके नेतागिरी चमका रहे हैं। आप अगर लोगों से कह रहे हैं बंदूक रखिए, ये रखिए, वो रखिए, सफाया करेंगे, इनको मार देंगे, उनको मार देंगे, हम तो
भाषणबाजी है, हमारे बंदूक रखने भाषणबाजी है, हमारे बंदूक रखने से हाँ। किसी धर्म पंथ मजहब को कहीं कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, जो भारत के विरोधी लोग हैं, हाँ। जो हमारे संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, हाँ। हम उनके विरुद्ध आज सशक्त होने की बात करते हैं, हाँ। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है, हाँ। और हम उसको प्रखरता के साथ स्वीकार करते हैं। कानूनी रूप से सशक्त हुई है ना, कानूनी रूप से सशक्त हुई है, कानूनी रूप से आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो कानूनी रूप से सशक्त हो सकते हैं। सरकार पर दबाव बनाइए कि एक ऐसा कानून लाया जाए जो बहुत सख्त हो, उस तरह से सशक्त होइए। अगर आप लोगों से कहेंगे कि हमको खुद सशक्त करना है, हमला करेंगे, आप खुद जेल जाएंगे। विचारों को रखने की आजादी नहीं है और सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है, उससे कोई बात करना नहीं चाहता, उसको इस तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए कहा जाता है कि आप आतंकवादी की भाषा बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारी इस मांगों को, जहां पर हमारे संस्कृति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारे परंपरा को जिस तरीके से नाबूद किया जा रहा है, हमारी बातों को क्या वो सम्मान देंगे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंडित संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। पंडित जी, ये बताइएगा मुझे कि हरिद्वार में जो धर्म संसद आयोजित की गई, उसमें जो जो बातें कही गई, जो जो स्टेटमेंट्स किए गए, समय बीत चुका है, सभी ने सुन लिया, इसको लेकर हर तरफ चर्चा है, समय बीतता जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी भी हुई है, आज कालीचरण की गिरफ्तारी भी हुई है, इस जो धर्म संसद थी, क्या ये सच में हिंदू धर्म की संसद थी? देखिए, जहां धर्म की चर्चा होती है या अपने देश के हित के लिए चर्चा होती है, वहां पर हम राष्ट्र की रक्षा की जहां बात होती है, उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए, मुस्लिमों को मारना और मुस्लिमों के खिलाफ कुछ भी बोलना, ये राष्ट्र की रक्षा कैसे है? वो देखिए, जहां पर वो लोग करते हैं, मतलब वो लोग, मतलब ये हिंदू धर्मगुरु नहीं है वो लोग, मतलब आप इन्हें हिंदू धर्मगुरु नहीं मानते? नहीं नहीं, ऐसा है कि जो दो मजहबों के बीच मजहबों की बात जहां पर है, अगर वो हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणी करेंगे तो वो जो अच्छा कुछ तो कुछ ठीक है, मैं समझ गया आप कहने का मतलब है, कुछ फ्रिंज ग्रुप अगर वहां है तो फ्रिंज ग्रुप यहां भी है, अगर कुछ कट्टरवाद सोच के लोग वहां है तो यहां भी है, टिट फॉर टैट। बिल्कुल, देखिए, राष्ट्र रक्षा और आत्मरक्षा सब सर्वोपरि है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर वहां पर पीरजादा है, ओवैसी है, तो यहां पर ये है, यही है ना? इस देश में कोई ओवैसी ना हो, इसलिए तो ये व्यवस्था बढ़ रहा है आगे। अब ओवैसी कहते हैं कि इस देश में आप जैसा कोई ना हो, इसलिए व्यवस्था है, लेकिन इसके चक्कर में जो मासूम हिंदुओं का, मुसलमानों का जो नुकसान होता है, जो कत्लेआम होता है, उसका जिम्मेदार कौन है फिर? वन सेकेंड, सवाल पूछना चाहिए आपको कि हिंदुस्तान बटा क्यों? हिंदुस्तान जो बटा, उसके लिए आप आज के मुसलमानों को मारेंगे? हम मारने की बात नहीं कर रहे हैं, अरे आप बंदूक की बात कर रहे हैं, आप मारने की बात कर रहे हैं, आप सफाई की बात कर रहे हैं, जी पंडित जी, जी जी, वही है कि आत्मरक्षा, राष्ट्र रक्षा और जो सनातन परंपरा है अपनी, उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर अगर गलत हो रहा है तो उसका तो विरोध होना ही चाहिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा बताइएगा पंडित जी, अगर ऐसी ही धर्म संसद मुस्लिमों के द्वारा आयोजित की जाए और वहां पर सिर्फ आप धर्म चेंज कर दीजिए, यही सब बातें हो, दाढ़ी वाले मौलाना हो, यही सब बातें करें, हथियार रखने की बातें करें, तलवार रखने की बातें करें, तो वो ठीक है? तो वो कर रहे हैं, तभी तो ये चीजें कदम उठाए गए, गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, बिल्कुल जो आप बोल रहे हैं, इसलिए आप भी गलत कर रहे हैं, इसलिए आप भी गलत कर रहे हैं। नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम उनके उस एक्शन के, जो गलत एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, उसके हम उस बचाव में हम तैयार हैं, अपने राष्ट्र के लिए और आत्मरक्षा के लिए। आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा कि आप हिंदुओं के ठेकेदार बनिएगा? नहीं नहीं, हिंदू की बात नहीं है यहाँ पर, ये बात है कि जो
सही लोग हैं, सही दिशा में हैं। और एक होता है कि जो आतताई हैं, आप उनको चाहे आतंकवादी बोलिए या जो भी है। चलिए ठीक है, कुल जमा तो, बात यह है कि क्रिया की प्रतिक्रिया है। अगर वहां पीर ज्यादा ओएसी हैं तो यहां भी लोग हैं, मतलब यहां से अगर हाथ उठेगा तो यहां भी हाथ है जो कि उठ जाएगा। यही कहने का मतलब है, यही पूरी कहानी है आज के भारत की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव जी आपका भी और साथ ही साथ पंडित संजय शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के कार्यक्रम में यही बात थी कि आखिर धर्म संसद कहना क्या चाहती है। बहुत छोटे से कार्यक्रम में आपको सिर्फ दो लोगों के द्वारा यह समझा दिया गया कि यह धर्म संसद आखिर थी क्या। यह धर्म संसद उन फ्रिंज ग्रुप्स के लिए थी जो फ्रिंज ग्रुप्स भारत में एक धर्म के खिलाफ बोलते हैं, और यह धर्म संसद जिनने आयोजित की थी वो भी दरअसल फ्रिंज ग्रुप थे। तो ये फ्रिंज वर्सेस फ्रिंज है, ये सिर्फ और सिर्फ कट्टरवाद वर्सेस कट्टरवाद है, नथिंग मोर और नथिंग लेस। तो इसके लिए ज्यादा सोचने की समझने की आवश्यकता आम लोगों को नहीं है, ये कट्टरपंथी लोगों की कट्टरपंथी लोगों से लड़ाई है। इस पे किसी को कुछ भी सोचने परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखिए भारत एट नाइन कावेंद्र चौहान के साथ।